जय सिया राम, हरिओम। फिर पांच आर्मी के जवानों की शहादत हो गई है कश्मीर पूंछ में। अचानक से सेना की गाड़ी में आग लग गई। बाद में कहा कि किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया होगा। ये सेना के जवानों की शहादत आतंकवादी कर रहे हैं या देश की व्यवस्था कर रही है, इस पर बात करने आया हूं। क्यों ऐसा हो रहा है? अखबारों में तो खबरें आती रहती है ना, टीवी में खबरें आती रहती है ना कि अब 100 आतंकवादी बच गए, अब 50 बच गए। फिर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रही, 3 आतंकवादी मार दिए गए कॉर्डन करके, अगले दिन 5 जवान शहीद हो जाते हैं। पहले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे लेता हूं। दिल रोता है, दुखता है, गुस्सा आता है, भावना प्रकट करने के लिए जो शब्द होने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो शहादत होती है उसके पीछे का एक मजबूत कारण नहीं मिलता है। ये हैं शहीद मनदीप सिंह, जवान लड़का, शहीद देवाशीष बासवाल, शहीद कुलश्रेष्ठ सिंह, शहीद हरकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह। शहीद कितनी लंबी जिंदगी थी, देश के लिए शहीद हुए कोई बात नहीं, तिरंगे में लिपट के आएंगे, फिर भीड़ होगी, फिर लंबी कतारें लगेंगी, फिर लोग आंसू बहाएंगे, फिर लोग गुस्सा करेंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहा है देश के। फिर माएं कहेंगे कि हमारे और भी बच्चे हैं, हम भेजेंगे सेना में, हमारे देश की शान है, हमारे बच्चे देश के लिए लड़ते हुए अगर शहीद हो जाए तो ईश्वर में मिल जाएं, देश की मिट्टी में मिल जाएं। जब इस तरह की बातें होती हैं तो एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है कि ये जो आतंकवादी हैं उनका काम है मारना, वो तो मारते ही रहेंगे। ये मजबूत सरकार है तो किस लिए है? तो क्या अगर ये आतंकवादी मारते हैं छुप के, तो क्या आतंकवादियों को मारने के लिए सबों को मार दिया जाए, उस पूरे एरिया को ठोक दिया जाए? मैं बता रहा हूँ पुलवामा से लेके आज तक की कहानी बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली गलती कहाँ हो रही है। गलती ये हो रही है कि ये इस्लामिक जिहाद है, इसको क्यों नहीं मानती सरकार? ये आतंकवाद है, ये इस्लामिक जिहाद है जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, और वो बहुत ही मजबूती से हो रहा है, सालों से हो रहा है। हमें अपने जवानों की कीमत को तो आंकना पड़ेगा। एक जवान के बदले क्या हम 10 आतंकवादियों को मार पा रहे हैं? एक जवान के बदले 100, 1000, 5000, 10000 तक आतंकवादियों को खत्म करना चाहिए थे। इससे पूरा पाकिस्तान की आर्मी खत्म हो गई रहती अब तक। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान के आतंकवादियों को हम पकड़ेंगे, ठोकेंगे, पीटेंगे। सेना दिस कर रही है, दैट कर रही है, वो कश्मीर में है, जम्मू का एक नेता है भारतीय जनता पार्टी का, आता है इनकलाब जिंदाबाद बचाने लगता है। रे पागल, पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान खुद मिट्टी पलित कर दी ना, आटे नहीं मिल रहे, रोटियां नहीं मिल रही है वहां के लोगों को। वो सेना की औकात है कि भारत पर आक्रमण कर दे? मतलब एक तरफ तो पाकिस्तान लूट गया, पिट गया, मजबूर हो गया, उसकी इतनी औकात नहीं रही, हमने दो बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए अब उस, और दूसरी तरफ यहाँ रोज आए दिन टारगेट किलिंग होती है, सेना के जवान मरते हैं। ये जिहाद है, जिहाद है। कश्मीर के अंदर के जो लोग हैं, जो वहाँ के मुसलमान नेता लोग हैं, जो जिनको कभी हटाया था, जेलों में डाला था, सबको बाहर कर दिया गया। मुस्लिम तुष्टिकरण, मुस्लिम तृप्तिकरण की ये पराकाष्ठा है, और ये जिस दिन हम मान लेंगे कि जिहाद है उसका रास्ता भी निकल जाएगा, एक एक जवान की कीमत वसूली जाएगी और वो बड़े आराम से सेना खुद ही निपट लेगी। आप तो कह दो ये जिहाद है, तो जिहाद से निपट के तरीके होंगे ना। अभी तो हम आतंकवादी से निपट रहे हैं, आतंकवादी से निपट रहे हैं भाई, आतंकवादी तो कोई भी हो सकता है,
लेकिन जिहाद तो पूरा कौम है ना, वहां हुआ था ना, हिंदू कश्मीरी पंडितों का जीनोसाइड हुआ था। आज तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या कोई भी सत्ता जीनोसाइड को मानी ही नहीं। जब तक जीनोसाइड को मानेगी नहीं तो जीनोसाइड रुकेगा नहीं। जीनोसाइड को नहीं मानना भी, जीनोसाइड नरसंहार को होते रहने देना है। हैं वर्दी वाले जवान, हैं यहां पे सीना गोली खाने वाले जवान, लड़ने वाले जवान, हैं एम्बुश में मरे जाते हैं, एम्बुश घात लगा के बैठ गया, ग्रेनेड फेंक दिया, मार दिया, और वहां फिर कॉर्डन हो रहा है पूरा एरिया, और फिर सर्च कर रहे हैं, और फिर एक दो को ठोक देंगे, और फिर अगली बार फिर हो जाएगी। कभी महीने दो महीने का गैप हुआ है? नहीं हुआ ना। 15,000 रोहिंग्या बस गए जम्मू कश्मीर और उस क्षेत्र में, और 1,000 कश्मीरी पंडित नहीं बस पाए क्योंकि उनकी टारगेट किलिंग हो जाती है। ये जिहाद नहीं है तो क्या है? कौन सा ऐसा कानून नहीं बना हुआ रोशनी एक्ट से लेके क्या तक जो जिहाद को सपोर्ट नहीं करता है? और धारा 370 हटा के जो बहादुरी आप दिखा रहे हैं, तो क्या किया वहां पीछे रास्ते से? डोमिसाइल एक्ट लगा दिया ना, डोमिसाइल कानून, जो वहां 15 सालों से ऑलरेडी है, जो वहां बसा हुआ है, जो वहां के नागरिक है। झूठ बोल दिया ना। तृप्तिकरण के लिए क्या क्या करेंगे आप? ये व्यवस्था की चूक है। ये व्यवस्था जो है जम्मू कश्मीर की, जो होनी चाहिए, जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वो नहीं है, इसीलिए वहां जवानों की हत्या हो रही है। यहां हमें कोई कश्मीर का इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये कहने की जरूरत है कि कश्मीर की आज की हालत, आज तक की हालत जो नहीं बदली है, वहाँ जो टारगेट किलिंग हो रही है, सेनाओं की हत्या हो रही है, और आतंकवादी कर रहे हैं, सेना के जवान और कश्मीर की पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस भी मारी जा रही है, इसके पीछे जो है वो व्यवस्था जो है भारत की, जो संवैधानिक व्यवस्था है जम्मू कश्मीर के लिए, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो स्वीकार नहीं किया अभी तक, ये मानने को तैयार नहीं है कि कश्मीर में जिहाद हो रहा है, और ये जिहाद नहीं मान रही है, इसीलिए वहाँ जो नरसंहार हुआ कश्मीरी पंडितों का, वो भी नहीं मान रही है भारत सरकार, और ना नरसंहार मान रही है, ना जिहाद मान रही है, और इसीलिए वहाँ टारगेट किलिंग हो रही है, पुलिस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की हत्या हो रही है, जम्मू कश्मीर के सेनाओं की, और ये आतंकी जो है ये आप मान के तो नहीं चल सकते कि वो पाकिस्तान का नागरिक था, वहाँ से आया था, उसने बॉर्डर पार किया था। आप ये बताना चाहते हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया था? आप ये बताना चाहते हैं कि सीमा की रक्षा करने के लिए हमारे जवान सब जो हैं वो कुछ कमी करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। ये जिहाद है, इसको मानना है, और ये जिहाद इसीलिए है कि राष्ट्र के अंदर ही, जम्मू कश्मीर के अंदर ही ऐसे लोग, ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो किसी भी कीमत पे कश्मीर को भारत का नहीं बनने देना चाहते, जिन्हें जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, वाजिब कत्ल है, उसकी औरतें माले गनीमत है, इस माइंडसेट का है। जो ये मानता है कि जिहाद होगा तो जीत होगी और जन्नत मिलेगी, तो ये इसको जिहाद साबित करना नहीं है, ये जिहाद है। और भारत सरकार जिस दिन इसको, इसकी घोषणा कर देगी कश्मीर में जिहाद चल रहा है और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो गया है, 90% समस्या वही खत्म हो जाएगी, बाकी सेना के लोग जवान जो है वो सलटा लेंगे। सेना बहुत कैपेबल है, जान देती है, हैं बताइए, समझिए। मैंने अपनी बात कही है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और सच सुनने की ताकत जिसमें है वही हमारे सब्सक्राइबर हैं, इतना तो मैं मानता हूँ। शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सियाराम, हरिओम।